वैभव कुमार अंदर थे, जो टेक्निकली आज की डेट में कुछ नहीं है, ना सरकारी पद पे है ना राजनीतिक पद पे है, और यदि वो मुख्यमंत्री आवास में थे तो क्या उनका अपॉइंटमेंट था? स्वाति मालीवाल केस में दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में है। मालीवाल के साथ मारपीट के आरोपी केजरीवाल के पीए विभव कुमार को दिल्ली पुलिस मुंबई लेकर पहुंच गई है। स्वाति केस में मुंबई से अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। खबर आ रही है कि आज विभव कुमार को वहां ले जाएंगे, आज सीएम खर के घर जाएंगे, आज मुंबई लेके जाएंगे, आज एसआईटी बना दी। ये सबको समझ में आ रहा है कि कौन करवा रहा है और किसको फायदा ये चीज देगी, क्योंकि केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने मुंबई में ही अपने फोन को फॉर्मेट कराया था। विभव कुमार के फोन में 13 मई की सुबह 9 बजे केजरीवाल के आवास पर क्या कुछ हुआ था, इसकी एक एक तस्वीर मौजूद है। दिल्ली पुलिस इसी सुराग की तलाश में मुंबई पहुंची है। विभव कुमार के मोबाइल का डंप वीडियो मिलते ही एक एक राज का पर्दाफाश हो जाएगा। आइए मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर केजरीवाल के पीए का मोबाइल है कहां, मोबाइल से क्या कुछ निकल कर सामने आने वाला है, यह मैं आपको बताऊंगा कि मुंबई पुलिस ढूंढ रही है कि आखिर फोन है कहां और फोन का सच जो है वो अब निकल कर आने वाला है। अब आप देखिए जरा पीए के फोन से क्या क्या निकल कर आएगा, ये देख रहे हैं आप, पीए के फोन से जो निकल कर आएगा, सामने वॉल पर ग्राफिक दीजिए प्लीज। पीए के फोन से आएगा, एक्शन में है, फुल एक्शन में पुलिस इस वक्त, और केजरीवाल के पीए विभव कुमार को मुंबई लेकर गई है। साथ ही साथ स्वाति से बदसलूकी के बाद मुंबई गए थे विभव, केजरीवाल के पीए ने मुंबई में फोन अपना फॉर्मेट करा दिया, यानी फोन में कुछ नहीं मिला। इसी फोन से लीक वीडियो रिकॉर्ड का दावा किया गया और स्वाति ने वायरल वीडियो को अधूरा बताया है। स्वाति ने कहा वीडियो जानबूझकर वायरल किया गया। दिल्ली पुलिस स्वाति केस से जुड़े सबूत तलाश रही है इस वक्त। विभव के फोन से केस से जुड़े सबूत होने का दावा है। मुंबई में फॉर्मेट के दौरान डेटा डंप किया गया, दिल्ली पुलिस उस डेटा को तलाश रही है जो विभव के फोन में था। मुंबई में विभव किस किस से मिला उससे पूछताछ हो रही है। मोबाइल फॉर्मेट करने की वजहों की पुलिस जानकारी लेगी कि आखिर क्यों डेटा डिलीट किया विभव ने अगर कुछ छिपा नहीं रहा है तो। केजरीवाल आवास के दो वीडियो लीक किए गए, पुलिस को आशंका है कि जानबूझकर वीडियो लीक हुए। लीक वीडियो के पहले और बाद के हिस्से को हटा दिया गया, डेटा रिकवर हुआ तो पूरा फुटेज मिल जाएगा। मारपीट के बाद मुंबई के साथ लखनऊ पंजाब भी गया था विभव। पुलिस का दावा है जांच में सहयोग नहीं कर रहा है विभव। विभव के घर से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी बरामद हुए हैं, जब्त गैजेट को पुलिस ने एफएसएल जांच के लिए भेज दिया है। तो यह तैयारी है, लेकिन इस पर सियासत भी खूब हो रही है। मैं आपको बताऊं कि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बीजेपी बार बार सवाल पूछ रही, बीजेपी का सवाल लाजमी भी है। बीजेपी पूछ रही है कि ये बताइए कि आखिर केजरीवाल विभव केजरीवाल के घर में क्या कर रहे थे जब पीए नहीं। वो कह रहे हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं लिया स्वाति मालीवाल ने, क्या विभव अपॉइंटमेंट लेकर गए थे? सुधांशु त्रिवेदी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कह रहे हैं सुधांशु वो सुनिए, और सौरभ भारद्वाज क्या कह रहे हैं। रोज खबर आ रही है कि आज विभव कुमार को वहां ले जाएंगे, आज सीएम खर के घर जाएंगे, आज मुंबई लेके जाएंगे, आज एसआईटी बना दी, एडिशनल कमिश्नर पुलिस जो है और चार चार बड़े अफसर जो हैं बयान लेने स्वाति जी के घर जा रहे हैं, ये सब क्या है? 3 दिन बाद चुनाव है दिल्ली के अंदर, उससे पहले पूरे दिन सुबह से लेकर शाम तक ये टीवी पे अखबारों में जो चल रहा है, क्या स्वाति जी को समझ में नहीं आ रहा? क्या वो राजनीति समझ नहीं रही है? ये सबको समझ में आ रहा है कि कौन करवा रहा है और किसको फायदा ये चीज देगी, और लोगों को भी समझ में आ रहा है, ऐसे लोग कोई बेवकूफ कोई ना है, सबको समझ में आ रहा है कि केजरीवाल जी आप तो वही नेता है ना जो कहते थे कि मैं तो 3 कमरे घर में रहूंगा और मेरा घर 24 घंटे खुला रहेगा, कोई कभी भी आके मिल सकता है, हम तो आम आदमी की पार्टी है, यही वक्तव्य था ना। और आज अपने शीश महल में ऐसे किले में बंद होके बैठे हैं कि अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से कहते हैं कि अपॉइंटमेंट नहीं था तो नहीं मिलेंगे, और अगर अपॉइंटमेंट नहीं होने के बाद मिलने की बात कहेगी तो उसके साथ दुर्व्यवहार और जूता लात भी करेंगे। कि अगर आपने कहा कि उस दिन अपॉइंटमेंट नहीं था तो वो अंदर कैसे आ गई ड्राइंग रूम तक? हम और आप में से कोई भी जाए, किसी मुख्यमंत्री के अपॉइंटमेंट नहीं है तो आप गेट से लौटा दिए जाएंगे।
वो अंदर कैसे पहुंची इसका आप जवाब दे दीजिए। और केजरीवाल जी सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, उनके बाद वो जेड सिक्योरिटी है भाई, वैसे तो वो थे जो सिक्योरिटी नहीं लेंगे वाले थे, मगर आज जेड सिक्योरिटी, और किसी जेड सिक्योरिटी वाले के घर के अंदर अगर कोई अवांछित व्यक्ति घुस गया तो उनके सुरक्षा कर्मियों ने एज पर द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या कार्रवाई की। आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी, लेकिन मैं अब आपको बताऊं कि आखिर अब इस मामले में एसआईटी बना दी गई है, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और एसआईटी इस मामले की जांच कर रही है। देखिए जरा एसआईटी जो बनी है, एसआईटी जो जांच कर रही है वो ग्राफिक्स मैं आपको दिखाऊं। एसआईटी करेगी मालीवाल केस की जांच, स्वाति मारपीट की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। एसआईटी ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है और अजीता चेप्याला को एसआईटी टीम को लीड करने के लिए जिम्मेदारी दी गई है, यानी नेतृत्व करेंगी वो टीम में। इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी भी हैं और टीम में सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन का भी एक अधिकारी है। सिविल लाइंस में भी मामला दर्ज किया गया है। एसआईटी अपनी जांच के बाद सीनियर्स को रिपोर्ट सौंपेगी। विभव के खिलाफ सबूतों को नष्ट करने की भी धाराएं जोड़ी गई हैं। केजरीवाल के स्टाफ का बयान भी दर्ज किया गया और वीडियो में दिख रहा है सुरक्षा गार्ड से भी पूछताछ की गई। अब तक 20 लोगों का बयान दर्ज किया गया है। जब जब्त डीवीआर को एफएसएल जांच के लिए भेज दिया गया है। कल केजरीवाल के ड्राइंग रूम में पूरा सीन रिक्रिएट किया गया, कैसे मारपीट हुई। विभव कुमार 5 दिन की पुलिस हिरासत में है, यानी रिमांड पर है, उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं मैं कि केजरीवाल भी अपने पीए के कारनामों से बच नहीं पाएंगे। केजरीवाल के घर दिल्ली पुलिस पहुंच रही है, दिल्ली पुलिस केजरीवाल के यानी सीएम आवास पर पहुंची, और अब ईडी ने बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की है। ईडी की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट बता रही है केजरीवाल को कटघरे में खड़ी कर रही है। वो रिपोर्ट कह रही है कि बहुत सी ऐसी चीजें हुई जिसमें खेल किया गया है।